फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मेरे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है। इसमें फ़ास्ट चार्जिंग अगर आपके नहीं हो रहा है, और इसमें मैं फ़ास्ट चार्जिंग करना आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से, कुछ सेटिंग होता है जिसको आप इनेबल कर देंगे तो आपका फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने लग जाएगा, यानी कि फ़ास्ट चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे इन्फिनिक्स का फ़ोन दिख रहा होगा आपको। मेरे पास ये इन्फिनिक्स का मोबाइल है, लेटेस्ट मॉडल है स्मार्ट 7 HD, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपके पास कोई से भी मॉडल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मोबाइल कोई सा भी हो, इन्फिनिक्स का, टेक्नो का, ये दोनों सेम ही जो सेटिंग है देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर होगा, बिल्ड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे बिल्ड वाले ऑप्शन नंबर्स सीरियल नंबर यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो हम इस यहाँ पर ढूँढेंगे बिल्ड नंबर, मोर वारंटी है ये, इन्फॉर्मेशन, ये रहा बिल्ड नंबर। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, या सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मॉडल वगैरह दिखेगा, तो यहाँ पे बिल्ड नंबर मिलेगा। 5 से 7 बार ओपन करेंगे तो आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। लॉक खोल लीजिएगा, आप देख सकते हैं डेवलपर मोड ऑन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, और फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ ये आप ये मत सोचिएगा डेवलपर मोड के बारे में ही बताऊँगा, और भी सेटिंग है जो डेवलपर मोड के बाहर भी होता है, जो आप कर लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेंगे, ठीक है। तो जो पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर मोड दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे जो अगर आपके फ़ोन में इस टाइप का ही ऑप्शन आएगा, OEM अनलॉक दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे दिखेगा नीचे जाएंगे तो ऑटो सिस्टम अपडेट, तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। ऑटो सिस्टम अपडेट को ऑफ़ करना है। साथ ही साथ में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो USB डिबगिंग मोड को ऑन कर लीजिए, अगर आपका डिसकनेक्ट और कनेक्ट होता है तो, नहीं तो इससे आपका चार्जिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपका जब भी करते हैं चार्ज तो डिसकनेक्ट और कनेक्ट आता है, तब इसको आप ऑन कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ओके करके, ठीक है। और इसको ऑफ़ भी कर सकते, तो इसको इतना ज़रूरी नहीं है ऑन करना, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस। तो आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट दिखेगा, व्यू और सेलेक्ट डब, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे वो वाली सेटिंग। तो जो जो मैं आपको बताऊँगा वो सब आप कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अब नीचे जाएंगे तो आपको डोंट एक्टिविटी वाले को ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल दिया गया है कि आपकी एक्टिविटी जो फालतू का है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, रनिंग में, बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह वो सब बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये वाला देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं फोर्स एक्स वाला, इसको भी ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा फ़ोन आपको जो है वो बैकग्राउंड में जो भी चल रहा होगा एक्टिविटी उसी की तरह होता है वो भी, ठीक है। और ये विंडो एनिमेशन आपको है ना इस तरीके से ऑफ़ कर देने हैं, इससे क्या होता है आपका फ़ोन भी फास्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ये सब करने से। तो गाइस, आप इस तरीके से इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ में और भी फीचर्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड लिमिट प्रोसेस आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, पर आपको इन सब को सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये सब बैटरी में आपको फास्ट चार्जिंग के लिए हो जाता है। अब यहां पे क्या कर, एक चीज़ और बताता हूं, जब भी आप इंटरनेट चला करके कभी भी आप अपना चार्जिंग में ना लगाए फ़ोन, ठीक है। अगर आप लगाते हैं तो एक चीज़ कर ले, एक सेटिंग, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, क्योंकि आपका प्ले स्टोर काफ़ी हेवीली यूज़ करता है डेटा। तो यहाँ पर जा कर के आप, बस आपको पता नहीं होता है, ये मैनेज वाले ऑप्शंस पे जा कर के आप यहाँ पे ये जो अपडेट होता है ऑटो अपडेट वाले को, सेटिंग को आपको बंद करना होगा। तो यहाँ पे
सॉरी फ्रेंड्स, मैनेज पे नहीं जाना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑटो अपडेट वाले फीचर्स को बंद करना है। तो यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो अपडेट देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑटो अपडेट और यहाँ पे वाईफाई का भी दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटो अपडेट वाले पे। तो हम इस पे डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक करके पॉज कर देते हैं। इस पे भी डोंट ऑटो प्ले वीडियो को हम बंद कर देते हैं। और इसी तरीके से आप YouTube भी यूज़ करते हैं तो उसमें ऑटो प्ले होता है, तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं सेटिंग में जा करके। आप इस तरीके से सेटिंग में जाइए और ऑटो प्ले को बंद कर दीजिए। ये ऑटो प्ले है, इसको इस टाइप से बंद कर दीजिए। तो ये बैकग्राउंड में आपका जो ऐप्स है वो प्ले नहीं होगा और आपका जो बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में आपका, और ये सेविंग डेटा मोड होता है, इसको आप ऑन कर लीजिएगा, डेटा सेविंग मोड। इसको ऑन करने से भी आपका जो डेटा कम यूज़ होता है और बैटरी भी कम यूज़ होता है और फास्ट चार्जिंग होता है। और ये सब आपको मैं तब बता रहा हूँ जब आप नेट ऑन करते हैं। अगर नेट ऑफ़ करके रखते हैं और फिर चार्ज करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।